नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। प्लॉट को जो है पूजा कसौधन भाजपा नेत्री हैं, आए दिन कब्जा करना चाहती हैं। सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम सत्ता का नशा दिखाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक महिला नेत्री पर इस कदर चढ़ा है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, हमारा कुछ उठा नहीं लोगे यार, हमारे खिलाफ तुम 10 बार नहीं 50 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मेरा कुछ नहीं करोगे यार। सब कहा अन्याय कर रहे हैं, तुम इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हो। पुरानी जब बाउंड्री है, नपी जुखी हुई है, ऐसे नपी जुखी है, ऐसे मान लेंगे बाउंड्री थी, तुम जबरदस्ती उस पे कब्जे करने जा रहे हो। सुना आपने, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हमारे खिलाफ 10 नहीं 50 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ नहीं कर पाओगे। सत्ता के नशे में मदहोश वाला ये बयान सुल्तानपुर जिले की भाजपा की महिला नेत्री पूजा कसौधन का है। वैसे तो पूजा कसौधन ना तो मंत्री हैं और ना ही विधायक, लेकिन खुद को मंत्री विधायक से कम नहीं समझती हैं। शायद यही वजह है जो राजस्व टीम के सामने पीड़ित शख्स को कुछ नहीं उखाड़ पाओगे की धमकी दे रही है। दरअसल पूजा कसौधन सत्ताधारी पार्टी भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष यानी खजांची हैं और अपनी उल जुलूल हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला अहिमाने इलाके की बेशकीमती जमीन का है। सुल्तानपुर शहर के गबड़िया निवासी विकलांग सुरेंद्र साहू का साफ कहना है कि सत्ता की हनक के बल पर भाजपा नेत्री पूजा कसौधन उसके 40 साल पहले बेनामे की जमीन पर कब्जा कर रही है। जमीन को बचाने के लिए पीड़ित ने डीएम सुल्तानपुर रवीश कुमार और सांसद मेनका गांधी के दरबार में अर्जी भी लगाई, लेकिन आरोपी पूजा कसौधन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आए हो डीएम ऑफिस में, क्या है मामला? भैया मेरा जो है 40 साल पुराना जो है अहिमाने में प्लाट है, उस प्लाट को जो है पूजा कसौधन भाजपा नेत्री हैं, आए दिन कब्जा करना चाहती हैं। मैं सांसद जी के पास गया था अभी, तो बोली कि उनके पास गए क्या हो गया मेरा, वो आए दिन हमको बहुत परेशान करती हैं और मेरा कूड़ा तोड़ दी हैं, गेट वगैरह तोड़ दी हैं। उसके बाद जो है जब मैं 112 बुलाया तो वो उल्टा हमको बैठवा दी 100 साहब से बात करके, और आए दिन हमको हमेशा परेशान करती हैं, हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहती हैं। 2017 में भी वो यही की थी, तीन लेखपाल एक कानून को गए थे, सब कुछ नाप के, मेरा नंबर अलग है, कहे तुम्हारा सही है, फिर भी वो आए दिन कब्जा करना चाहती है। पीड़ित ने सुबह इस बात का जिक्र किया था कि वो सांसद मेनका गांधी के पास न्याय के लिए गया, तो पूजा ने धमकी देते हुए कहा जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। पूजा का वही दबंग रूप उस समय भी देखने को मिला जब डीएम के आदेश पर राजस्व की टीम पीड़ित की जमीन पर पहुंची। राजस्व टीम के सामने ही पूजा कसौधन ने पीड़ित विकलांग युवक को सत्ता की हनक का एहसास कराया। हालांकि भाजपा नेत्री पूजा कसौधन नियम कानून की बात भी कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में भू माफिया वाले अंदाज में सत्ता का हूल देना भी नहीं भूल रही। बावजूद इसके सत्ता के हूल के सामने पीड़ित विकलांग सुरेंद्र साहू की हिम्मत काबिले तारीफ है।